सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, नसीर कुरैसी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। शुक्रवार को विशेष नमाज अलविदा को लेकर भदोही जिले में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर तीनों सर्किल के सीओ अपने अपने इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण करते रहे। मस्जिदों के आसपास भी पुलिस के जवान तैनात रहे। ड्रोन से जहां निगरानी की जा रही थी, वहीं पुलिस सीसीटीवी से नजर रखते हुए वीडियोग्राफी भी करा रही थी। प्रमुख चौराहों व बाजारों में पुलिस भ्रमण करते हुए वाहनों की सघन तलाशी भी ली। भदोही जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल अलविदा की नमाज संपन्न हो गई। टेंट व्यवसायी के दरवाजे पर खड़ी टाटा मैजिक जलकर खाक हो गई। टाटा मैजिक में आग लगने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला चौरी थाना इलाके के भकोड़ा गांव का है। टेंट व्यवसायी श्याम नारायण गुप्ता अपनी टाटा मैजिक को दरवाजे के सामने खड़ी किए थे। शुक्रवार की रात करीब 3 बजे टाटा मैजिक अचानक धू धू कर जलने लगी। पड़ोस के एक व्यक्ति ने आग लगने की जानकारी श्याम नारायण गुप्ता को दी। काफी मशक्कत के बाद निजी संसाधनों से टाटा मैजिक में लगी आग पर काबू पाया गया। श्याम नारायण गुप्ता के मकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सुबह चेक करने पर पता चला कि पड़ोस की एक महिला चूल्हे की राख फेंक कर जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसी राख से टाटा मैजिक में आग लगी थी। महिला की छोटी सी गलती के चलते बड़ा हादसा हो गया। चौरी के बरवा खास जनसेवा केंद्र के समीप एक गेहूं के खेत में घायल हालत में एक युवक पाया गया है। परिजन व गश्ती पुलिस की मदद से घायल युवक को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। चौरी के बरवा खास निवासी सालिक राम सरोज ने बताया कि उनका 31 वर्षीय पुत्र दिनेश कुमार मजदूरी का काम करता है। गुरुवार की शाम वह अपने घर से निकला तो देर रात तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश शुरू की। रात 9 बजे गाँव में पुलिस गश्त कर रही थी। सालिक राम सरोज ने गश्ती पुलिस से भी गुहार लगाई। पुलिस ने तलाश शुरू की तो दिनेश कुमार गांव के एक जनसेवा केंद्र के समीप गेहूं के खेत में गंभीर रूप से घायल पाया गया। उपचार के लिए फौरन राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। दिनेश कुमार कैसे घायल हुआ, होश आने पर इस बात की जानकारी हो पाएगी। भदोही जिले में अकीदत के साथ अलविदा की नमाज पढ़ी गई। रमजान के आखिरी जुमा पर रोजेदारों की भीड़ मस्जिदों में उमड़ी थी। भदोही जिले के गोपीगंज, खमरिया, घोसिया, नई बाजार, चौरी, माधो सिंह, सूर्यामा, ऊज मोड़, ज्ञानपुर, दुर्गागंज, कोयरौना, सररोही जैसे इलाकों में अकीदत के साथ अलविदा की नमाज अदा की गई। जिले के प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस बल के जवान लगातार चक्रमण करते देखे गए। उधर मुस्लिम बंधुओं ने अलविदा की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अलविदा की नमाज के बाद अब लोग ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। माह रमजान के आखिरी जुमा अलविदा की नमाज भदोही जिले में अकीदत के साथ अदा की गई। कोयरौना इलाके के सिमरात ठाकुर बस्ती में एक मढ़े में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस्ती में हड़कंप मच गया था। मढ़ा जलकर जहां खाक हो गया, वहीं मढ़े के पास मौजूद बांस की कोठी, आम व कटहल के पेड़ को भी आग ने अपने चपेट में लिया था। सूचना पर डायल 112 व फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिमरात के ठाकुर बस्ती निवासी राम सूरत सिंह मढ़ा लगाकर उसी में पशु बांधते हैं। शुक्रवार की भोर लगभग 4 बजे अचानक मढ़े में आग लग गई। बस्ती के लोगों के मुताबिक रात राम मूरत सिंह व उनके बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और भोर में मढ़े में आग लग गई। मढ़े में बंधे पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। शुक्रवार को मिशन मोदी यात्रा भदोही पहुंची तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सुंदरवन की साध्वी माता राजलक्ष्मी मांडा 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं। तमिलनाडु से यह यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। 65 दिनों की यह यात्रा 15 राज्यों में भ्रमण करेगी। शुक्रवार को तमिलनाडु से होते हुए माता राजलक्ष्मी मांडा व गुरुजी भदोही जिले की सीमा पर पहुंचे तो शहर के रसपुरा चौराहा देवनाथपुर बाजार में जोरदार स्वागत किया गया।
औराई विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर माता राजलक्ष्मी मांडा का गगनभेदी नारों से स्वागत किया। इस मौके पर सुंदरवन मंदिर के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भदोही जिले में गर्मी अपना सितम दिखाने के लिए तैयार है। दिन का तापमान 40 व रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने के आसार हैं। शुक्रवार को भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी मौसम बुलेटिन में बताया कि भदोही जिले में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। आने वाले दिनों में भदोही का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने के आसार हैं। 14 अप्रैल के बाद भदोही जिले में हल्की बारिश बूंदाबांदी के रूप में देखी जा सकती है। चैत्र नवरात्र को लेकर भदोही जिले की बाजारों में पूजा अर्चना के सामानों की दुकानें सज गई हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर फलों के दुकानदार भी काफी उत्साहित हैं। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। वहीं 9 दिनों तक मां के दरबार को घरों में सजाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। नवरात्र में पूजन सामग्री, चुनरी, नारियल, कलश, कलावा की दुकानें जगह जगह सज गई हैं। लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। उधर भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे के फल विक्रेता सत्या सोनकर ने बताया कि इस चैत्र नवरात्र पर फलों के रेट आसमान छू रहे हैं, लेकिन व्यवसाय की अच्छी उम्मीद है। महिला राहगीर को बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार बाइक सवार गिरकर घायल हो गया। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोड़ बनकट निवासी शरणचंद दुबे का 18 वर्षीय पुत्र प्रियांशु दुबे बाइक से अकेले विंध्याचल दर्शन करने जा रहा था। गोपीगंज के थानीपुर के समीप पहुंचा तभी बाइक के सामने एक महिला राहगीर आ गई। महिला को बचाने के चक्कर में प्रियांशु दुबे बाइक लेकर गिर गया था, जिससे यह हादसा हुआ था। घर मकानों के छतों के ऊपर से गुजरे हाईटेंशन विद्युत तार लगातार भदोही जिले में हादसे का सबब बन रहे हैं। बढ़ती आबादी के बीच हाईटेंशन तार के नीचे अब अंधाधुंध मकान बन रहे हैं। यही वजह है कि आए दिन हाईटेंशन विद्युत तारों से हादसे हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी ऐसे विद्युत तारों को नहीं हटाया जा रहा है। ऐसी ही एक घटना कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गाँव में घटी है। गाँव के 38 वर्षीय उमर गिरी मकान का निर्माण करा रहे थे। छत पर बैठकर ईंट उठाने लगे, तभी छत के ऊपर से गुजरे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे उमर गिरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी डीग में भर्ती कराया गया था। विद्युत विभाग की लापरवाही से नगरदा गांव में एक और हादसा हुआ है। शरारती व अराजक तत्वों से किसान भी परेशान हैं। खेत में खड़ी फसल को ऐसे अराजक तत्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवानपुर कलाखुर्द में कमलेश कुमार गौतम के खेत में लगे प्याज, लहसुन, धनिया जैसे सब्जी की फसल को उखाड़कर फेंक दिया गया। सुबह कमलेश कुमार गौतम खेत पहुंचे तो सब्जी की फसल तहस नहस देख उनके होश उड़ गए। फौरन इसकी शिकायत डायल 112 पुलिस से की गई। शिकायत पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस भगवानपुर कलाखुर्द गांव पहुंची थी। अराजक तत्वों की करतूत से किसान कमलेश गौतम को भारी नुकसान हुआ है। सूर्यामा इलाके के कौड़न निवासी संतोष कुमार गौतम की पत्नी मालती देवी ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए विवादित जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। कहा कि गांव के ही विपक्षी विवादित जमीन पर नाद खूटा भैंस बांधकर कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज दी जा रही है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मालती देवी ने विवादित जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को भदोही जिले में अलविदा की नमाज अकीदत के साथ संपन्न हो गई। उधर गोपीगंज में नमाज अदा होने के बाद गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी नमाजियों के साथ नजर आए। सिर पर टोपी, कंधे पर गमछा रखकर ललितेशपति त्रिपाठी नमाजियों के बीच पहुंच गए और मस्जिद से चंद कदम की दूरी ओवरब्रिज के नीचे नमाजियों के साथ खड़े होकर देश प्रदेश में अमन चैन व भाईचारे की दुआएं भी मांगी थी। गठबंधन प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और योगी राज में बड़े बड़े भूमाफिया दबंग बदमाशों की पैंट गीली हो रही है, तो वहीं भदोही में एक दलित विधवा महिला के भूमधरी जमीन पर कुछ अल्पसंख्यक जात के लोग बेखौफ अतिक्रमण कर रहे हैं। शुक्रवार को दलित विधवा महिला डीएमएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है।
सरोही की रहने वाली विधवा दलित महिला धर्मा देवी ने ज्ञानपुर मुख्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके पुश्तैनी भूमधरी जमीन पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। दलित विधवा महिला की जमीन पर कब्जा करने वाले एक विशेष समुदाय के लोग हैं। धर्मा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए जिले के आला अफसरों से इंसाफ की गुहार लगाई है। भदोही शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला मुल्ला तालाब में दीवार से गिरकर 13 वर्षीय एक किशोर घायल हो गया। उपचार के लिए भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुल्ला तालाब निवासी मोहम्मद अली का 13 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अकरम घर के समीप 8 फीट की ऊंची दीवार पर चढ़कर खेल रहा था। खेलते समय वह दीवार से नीचे गिर गया और घायल हो गया। उपचार के लिए परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद घर भेज दिया था। सूर्यामा के पट्टी बेजाव गांव से डीएम कार्यालय पहुंची रजदेई देवी, सुनीता देवी, ज्ञानी बिंदु देवी, बाकेलाल, राजू, शकुंतला ने एक पत्र सौंपते हुए कहा कि कुछ लोग जबरन लाठी डंडे के बल पर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। घर के सामने रखे नाद खूंटा को हटाते हुए तोड़फोड़ कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारा पीटा जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ताओं ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर उर्फ शुक्लपुर निवासी सूर नारायण शुक्ला ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक मुकदमे को उठाने का बराबर दबाव बनाया जा रहा है। कहा कि विपक्षी आते जाते समय रास्ते में रोककर तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। कहा कि पुरुष से लेकर विपक्षियों की महिलाएं तक दरवाजे पर चढ़कर धमकी दे रही हैं। सूर नारायण शुक्ला ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से कभी भी घोसिया के वार्ड नंबर 13 चमनगंज सदर रोड पर बड़ा हादसा हो सकता है। सदर रोड पर भीड़भाड़ वाले इलाके में लगा लोहे का पोल पूरी तरह जंग खाकर गल चुका है। इलाके के जमालुद्दीन, डॉक्टर आफ्ताब, आरिफ, हाफिज, तौफीक, कमालुद्दीन ने बताया कि जिस स्थान पर विद्युत पोल लगा है वहां काफी भीड़भाड़ रहती है। ईद की खरीदारी को लेकर लोग जमा रहते हैं। विद्युत पोल पूरी तरह जंग खाकर गल चुका है, कभी भी धराशाही हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो घोसिया में बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। करियाव बाजार के शिव मंदिर में लगा पीतल का घंटा चोरी हो गया। मंदिर के पुजारी जमुना प्रसाद चौरसिया ने बताया कि मंदिर में लगा यह घंटा 70 साल पुराना है। सुबह पूजा पाठ के बाद मंदिर का दरवाजा खोलकर पुजारी जमुना प्रसाद चौरसिया घर चले गए। शाम को लौटे तो मंदिर में लगा 7 किलो का घंटा गायब था। इलाके के रितेश चौरसिया, विजय चौरसिया, संगम चौरसिया, विनोद गुप्ता ने घंटा चोरी के मामले में कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के जलालपुर निवासी भाजपा नेता सरवर सिद्दीकी की पत्नी का निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सरवर सिद्दीकी के आवास पर पहुंचकर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। भाजपा नेता सरवर सिद्दीकी की 53 वर्षीय पत्नी हुस्ना बेगम काफी समय से बीमार थी और इलाज चल रहा था। शुक्रवार की शाम घर में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। निधन की खबर सुन दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता, नेता, समाज सेवियों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया है। सूर्यामा के बारी निवासी केदारनाथ गौतम ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए एक अधिकारी पर हीला हवाली का आरोप लगाया है। कहा कि वर्ष 2019 में मत्स्य पालन के लिए उसे पट्टा मिला था, लेकिन पट्टा पत्रावली नहीं दी जा रही है। कहा कि पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान में रंजिश है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। केदारनाथ गौतम ने शिकायती पत्र देते हुए पट्टा पत्रावली उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को औराई के कैयरमऊ पंचायत भवन पर चल रहे टीकाकरण कैंप का निरीक्षण करने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पहुंचे थे। इस दौरान आंगनबाड़ी व आशाओं ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। कैयरमऊ इलाके में 7 आशा व 5 आंगनबाड़ी हैं। टीकाकरण केंद्र के निरीक्षण के लिए सीएमओ पंचायत भवन कैयरमऊ पहुंचे थे, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मीटिंग का पैसा व आशाओं ने डिलीवरी का पैसा न मिलने की शिकायत की। हालांकि शिकायतों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। औराई सीएससी अधीक्षक देवेश पांडे को निर्देश देते हुए 2 दिन के अंदर आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के शिकायतों के निस्तारण का निर्देश दिया है।
स्कूल चलो अभियान के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के निर्देश पर परसदी स्कूल से जागरूकता रैली निकाली जा रही है। शुक्रवार को भदोही ब्लॉक के पिपरी प्राथमिक विद्यालय से प्रधान अध्यापक आनंद सिंह के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। इस मौके पर जय पांडे, रानी देवी, कंचन, सुषमा आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियावां ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सुकुलपुर से भी प्रधान अध्यापक महेंद्र कुमार दुबे की अगुवाई में बच्चों ने रैली निकाली थी। स्कूली बच्चे हाथों में बैनर पोस्टर लिए दाखिला कराने का संदेश दे रहे थे। गोपीगंज के जखा गांव में 3 साल के रियान सरोज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने धूमधाम से मनाया है। एक दूसरे को केक खिलाकर रियान के लंबे उम्र की कामना की गई। जखा गांव निवासी लाला सरोज व अंजनी सरोज के 3 वर्षीय पुत्र रियांश सरोज का जन्मदिन मनाया गया। दादा हरिचंद, दादी चमीला देवी, चचेरे भाई अंशु सरोज, बड़ी माँ इंदु देवी ने रियांश की लंबी उम्र की कामना करते हुए बधाई दी है। जन्मदिन के मौके पर रियांश को उपहार भी सौंपा गया। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।